पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर निशाना साधा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की मुखिया स्वाति मालीवाल से भी सवाल पूछा है कि क्या वो केजरीवाल सरकार के इस रवैये का समर्थन करती हैं। बता दें कि बांसुरी स्वराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल 3 सप्ताह से राजनीतिक भारत भ्रमण में लगे हैं, लेकिन वो दिल्ली में 20 मामलों में जहां बच्चों के साथ दुष्कर्म हुए हैं, पॉक्सो मामलों की फाइलें 9 महीने से धूल फांक रही है। इन मामलों में ना तो सीनियर प्रोसिक्यूटर नियुक्त हुए और ना ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बांसुरी ने जस्टिस डी नाइट की बात कहते हुए कहा कि 1 साल में केस समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नियुक्त नहीं हुए तो मामले कैसे आगे बढ़ेंगे। बांसुरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद कहते हुए आगे कहा कि अब एलजी से नियुक्ति के मामले में तेजी दिखाई है। केजरीवाल महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। वो जब केजरीवाल काम नहीं करते हैं तो महत्वपूर्ण फाइलें मंत्रियों के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्रिमिनल लॉ की पहली कड़ी कहती है कि क्राइम समाज के खिलाफ होता है, इसलिए इसे देरी के लिए केजरीवाल सरकार को तुरंत अपनी सफाई देनी चाहिए।